और जिस दाब पर या जिस दाब पर अधिशोषण पदार्थ की मात्रा अधिकतम हो जाएगी उस दाब को क्या बोल देंगे, तो साम्य दाब या संतृप्त दाब। तो ओवरऑल देखा जाए तो समतापी में आपको यही पढ़ना है, और किस में, कुंडलिक में। देखिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है अधिशोषण समतापी वक्र, अधिशोषण समतापी वक्र। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि अधिशोषण समतापी वक्र यानी कि होता क्या है। तो एक ग्राफ है जो दाब और अधिशोषण की मात्रा के बीच संबंध को स्थापित करता है। एक तरह का ये क्या आपका ग्राफ, जैसे आप ग्राफ खींचे होंगे क्लास 8 9 में 10 में, बहुत सारा ग्राफ खींचे होंगे, मैथ में भी आप खींचे होंगे, या तो फिर आप जब बैल गति समीकरण पढ़ रहे होंगे उस समय भी आपका ग्राफ चला होगा। तो इसमें एक तरह का जो समतापी जो है ना, यानी कि अधिशोषण समतापी वक्र एक तरह का क्या आपका ग्राफ है। और जो ग्राफ किसको किसके बीच के दर्शाता है, किसके किसके बीच के रिलेशन को दर्शाता है, याद रखिएगा कि जो अधिशोषण समतापी वक्र है ये दर्शाता है आपका दाब और अधिशोषित गैस की मात्रा। याद रखना कि गैस की मात्रा और किसके बीच में, तो प्लस दाब के बीच में, इसके बीच की जो रिलेशन है, संबंध है, उस संबंध को स्थापित कौन करता है, तो अधिशोषण समतापी वक्र। और इसमें याद रखिए कि वही गैस इसमें फॉलो करेगा इस नियम को जो अधिशोषण के बाद एक परत बनाता है, एक लेयर बनाता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पास कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, और इस ठोस पर गैस जब आएगा इस पे चिपकेगा यानी कि अधिशोषण होगा गैसों का, तो गैस इसके ऊपर में एक आणविक परत बना लेना चाहिए, आणविक परत। और अगर आणविक परत नहीं बनाता है तो फिर ये इस नियम को पालन नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि वही गैस इस नियम को पालन करेगा जो किसी ठोस पर एक आणविक परत बना लेता है। तो यहां एक नंबर के सवाल आपसे पूछ सकता है कि समतापी वक्र या अधिशोषण समतापी का पालन कौन सा गैस करता है, तो वैसी गैस जो ठोस पर आणविक परत बनाता है, वैसी गैस जो ठोस पर आणविक परत बनाता है वही इसको पालन करेगा। और ये वाला अधिशोषण समतापी दो तरह का, और दोनों साइंटिस्ट ने ही दिया था, एक आपका है फ्रोंडलिक अधिशोषण समतापी और एक और है, याद रखिएगा दोनों का नाम, एक और है जिसका नाम है लैंगम्यूर लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी, अधिशोषण समतापी समतापी। देखिए अधिशोषण समतापी कितने तरह का, दो तरह का, फ्रोंडलिक अधिशोषण समतापी पढ़ना है और लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी पढ़ना। तो इसको हम लोग अगले बार पढ़ेंगे, यानी कि अगला क्लास में पढ़ेंगे, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रोंडलिक अधिशोषण समतापी। देखिए सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि अधिशोषण समतापी क्या होता है। तो वैसे एक तरह का गणितीय ग्राफ जो गैस की मात्रा और दाब के बीच के संबंध को बताता है, इसी चीज को आप यहाँ लैंग्वेज दीजिए तो क्या बोल सकते हैं कि अधिशोषक के द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा तथा दाब के बीच की जो संबंध स्थापित करता है उसे क्या बोलते हैं, अधिशोषण समतापी। अधिशोषक किसको बोलते हैं, जो अपने ऊपर में किसी चीज को चिपका ले या अधिशोषित कर ले उसी को ना अधिशोषक बोलेंगे, और अधिशोष्य किसको बोलेंगे, जो ग्राफ पे जा करके चिपक जाए वो अधिशोष्य होता है, जो चिपका ले वो अधिशोषक। तो अधिशोष और अधिशोषक आप जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं फ्रोंडलिक अधिशोषण समतापी क्या होती है। देखिए फ्रोंडलिक अधिशोषक समतापी की अगर बात की जाए तो फ्रोंडलिक जो है ना एक साइंटिस्ट है, क्या है, एक साइंटिस्ट है, और इन्होंने सबसे पहली बार फ्रोंडलिक ने सबसे पहली बार क्या किया कि स्थिर ताप पर, ताप को क्या कर लिए, स्थिर कर लिए, क्योंकि आपको पता है कि ताप बढ़ेगा या घटेगा तो उसमें अधिशोषक जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। इससे पहले वाली हम जो क्लास थी उसमें हम बताए थे कि जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें निम्न ऊर्जा होती है, ताप उसका क्या हो जाएगा निम्न, और जो रासायनिक अधिशोषण था उसका हाई था, तो वो वाला
क्लास कर लिए हैं, नहीं तो इसके पहले वाली क्लास आप देखिए। तो इसकी बात कीजिए, अगर हम कुंडली का अधिशोषण संतापी है तो इसमें स्थिर तापमान लिया गया था। ताप किसको माना गया? ताप किस कैसा होना चाहिए? स्थिर यानी कि कांस्टेंट। और जब ताप कांस्टेंट मान कर करके इस ग्राफ को खींचा गया तो इसमें वो देखते क्या है कि जो अधिशोषित गैस की मात्रा है ठीक है तथा दाब की जो मात्रा है उसके बीच का रिलेशन देखे थे। और तीनों तीन तरह से कम ताप पर, कम दाब पर, उच्च दाब पर और मध्यवर्ती दाब पर। तो इन्होंने क्या देखा कि यदि किसी गैस को अधिशोषित करवा दिया जाए, अधिशोषित करवा दिया जाए तो उसका जो दाब है, दाब जैसे जैसे आप बढ़ाइएगा वैसे वैसे उसका जो अधिशोषण की मात्रा है वो क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। इसका इसको आप इस तरह से समझिए ना, जैसे मान के चलो कि यहां पास कोई ठोस पदार्थ है ठीक है, और इस ठोस पदार्थ पर गैस क्या हो रहा है? चिपक रहा है इस तरह से। तो यदि इसकी दाब को और बढ़ा दिया जाए, इसकी दाब को और बढ़ा दिया जाए तो इसके जो गैस की जो मात्रा यानी कि चिपका हुआ है इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? और बढ़ने लगेगी, और बढ़ने लगेगी। तब तक बढ़ेगा जब तक उस साम्य अवस्था को प्राप्त ना कर ले। साम्य अवस्था हम आपको बताए हैं, जब ये पूरी तरह से साम्य अवस्था को प्राप्त कर लेगी तो फिर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और याद रखिए कि इसका महत्तम दाब जो होता है ना, महत्तम दाब, उस दाब को ही हम लोग साम्य दाब बोलते हैं। उस दाब को क्या बोल देंगे? साम्य दाब। जैसे यहां पर देखिए आप ग्राफ से इसको समझिए कि ए वाला वाई एक्सिस और ए वाला आपका एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमने दाब की मात्रा ली है यानी कि दाब लिया है, और वाई एक्सिस पे अधिशोषण की मात्रा लिया है। अधिशोषण की मात्रा क्या है? तो ये जो ठोस पदार्थ आपको दिख रहा है ग्रीन वाला, तो इस ठोस पदार्थ द्वारा कितना ज्यादा इस पे चिपका लिया गया? किसको? अधिशोष पदार्थ को। तो जितना चिपकेगा ना उसी को हम लोग बोलते हैं अधिशोषण की मात्रा। तो अधिशोषण की मात्रा निकालना है तो अधिशोषक की मात्रा बट्टा अधिशोष की मात्रा कर दीजिए, वो आपका अधिशोषण की मात्रा निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए अधिशोषण की मात्रा क्या है? एक्स बट्टा एम, यानी कि एक्स हम मान लिए हैं कि अधिशोष की जो पदार्थ है वो कितना स्थान करके चिपका है, और एम क्या है? आपका अधिशोषक की मात्रा यानी कि जो अधिशोष को ऑब्जर्व किया है उसकी मात्रा कितनी है। तो ये अधिशोषण की मात्रा है, जबकि ये क्या आपका दाब। तो अगर यहां पर देखा जाए तो जैसे जैसे दाब आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? अधिशोषण की मात्रा क्या हो रही है? आपका बढ़ रहा है। जैसे जैसे दाब बढ़ता है अधिशोषण की मात्रा भी क्या होती है? बढ़ती है। और जिस दाब पर, समझिएगा इस बात को, जिस दाब पर अधिशोषण की मात्रा सबसे अधिक हो जाए, सबसे अधिक हो जाए, उस दाब को हम लोग बोलते हैं साम्य दाब, या इसी का एक नाम और है संतृप्त दाब। इसको क्या बोलेंगे? संतृप्त, संतृप्त साम्य दाब या ओनली दाब, संतृप्त दाब। तो यहां से पूछ सकता है एक नंबर में कि साम्य दाब किसे कहते हैं? तो जिस दाब पर अधिशोषण की मात्रा मैक्सिमम हो जाए उस दाब को संतृप्त दाब या साम्य दाब कहते हैं। और यहां पर देखिए कि x बट्टा m की मात्रा यानी कि अधिशोषण की मात्रा दाब के साथ साथ क्या होता है? बढ़ता है, जो कि हम बताए भी देखिए बढ़ रहा है। और जिस समय मैक्सिमम हो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे? संतृप्त या साम्य दाब, ठीक है। और इसको आप देखिए कि मैक्सिमम या कम कब हो सकता है? जैसे अगर मान के चलो कि इस पदार्थ पर हम कम मात्रा रखें, दाब कम रखें, तो अगर दाब कम रखेंगे, कम दाब रखेंगे, तो कम दाब को हम मान के चलो P डैश से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि सर को एक से करेंगे तो पता नहीं लगेगा, आप समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो कम दाब है उसको हम किससे डिनोट किए हैं? पी डैश। उच्च दाब को पी नॉट या पी जीरो, और मध्यवर्ती दाब को पी और एन बट्टा ए वन बट्टा एन। एक चीज और याद रखिएगा कि मध्यवर्ती दाब का जो प्रास होता है हमेशा याद रखिएगा जीरो और एक के बीच, जीरो से एक, जीरो से एक, जीरो से एक, ये याद रखिए, ठीक है। देखिए तो ये आपका क्या हो गया? एक्स बट्टा एम आपका समानुपाती हुआ किसका? पी नॉट पे। जाहिर सी बात है कि कम दाब है तो जैसे जैसे दाब बढ़ाओगे क्या हो जाएगा? इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ेगा। और जब मैक्सिमम हो जाएगा तो याद रखिएगा कि जब मान मैक्सिमम होगा तो पी जो है, पी यानी कि दाब का मात्रा जो है, सॉरी पी एक्स, आप इसको ऐसे समझिए ना कि कम दाब है तो क्या हो जाएगा? धीरे जैसे जैसे दाब बढ़ाइएगा समानुपाती होगा किसका? दाब का है, एक्स बटा एन जो है क्या होगा? समानुपाती होगा, यानी कि दाब बढ़ाओगे तो इसकी भी मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। यानी चिपकने की मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। लेकिन उस समय सबसे अधिक होगा किस समय? जिस समय दाब उच्च होगा,
दाब उच्च होगा। तो अगर दाब उच्च है तो क्या उसके बाद उच्च दाब के बाद इसमें चिपकने की मात्रा बढ़ेगी? कभी नहीं बढ़ेगी, घटेगा भी नहीं। कैसे घटेगा? उसी सिचुएशन में रहेगा, उसी कंडीशंस में वो आगे बढ़ते रहेगा, मतलब कि ना कमेगा ना बढ़ेगा, मतलब उसी अंदाज में रहेगा, यानी कहते एक तरह से समानुपाती ही होगा। लेकिन याद रखिए कि जब उच्च दाब हो जाएगा ना तो ये जो एक्स एम है यानी कि एक्स एम एक्स बट्टा एम निर्भर नहीं करेगा, निर्भर नहीं करेगा किस पर? निर्भर नहीं करेगा पी नॉट पर। और हकीकत भी आप समझिए ना कि जब इसका दावे उच्च हो जाएगा, जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा या उससे अधिक हो जाएगा, उच्च दाब हो जाएगा, तो फिर इसका बढ़ने का कोई चांस है? कभी नहीं बढ़ सकता। कैसे बढ़ेगा? जैसे एक्स बट्टा एम और यहाँ पास पी जो यानी कि दाब जो था निम्न था, यानी कम था, कम था तो दाब बढ़ा रहे थे तो इसकी मात्रा क्या हो रही थी? बढ़ गई। लेकिन ई एकदम से मैक्सिमम हो गया, एकदम से मैक्सिमम हो गया, तो फिर ई कहां से बढ़ेगा? जैसे आप यहां समझिए कि यहां तक के अगर हम कोई वस्तु को रखते हैं, यहाँ पास अगर कोई वस्तु रखा हुआ है, एक वस्तु यहाँ पास है, तो हमारी हाइट इतना है कि हम इसको छू सकते हैं, समझ में आ रही बात? इसको हम क्या कर सकते हैं? तोड़ करके नीचे ला सकते हैं। लेकिन कोई वस्तु जैसे वहां फैन लगा हुआ है, फैन को हम चुन सकते हैं तो कितनों कूदेंगे तो हम उसको ला सकते हैं नीचे? नहीं ला सकते हैं, दो जितना कूदना है। तो यही चीज यहाँ पास है कि यदि दाब उच्च हो जाए तो आपका ऊंचो से ऊंचा करोगे, हम इतना बड़ा है तो क्या एकरों से ऊंचा होंगे? हम नहीं होंगे, तो कितनों कुछ कर लो हम उसको चुन ही नहीं सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पास है, यदि दाब ऑलरेडी आपका उच्च है तो इसकी मात्रा आपका बढ़ेगा नहीं, और नहीं बढ़ेगा तो एक तरह से कह सकते हैं कि घटेगा भी नहीं, यानी कि साम्य अवस्था को प्राप्त कर लेगा, यानी कि x बटा m जो है वो समानुपाती हो जाएगा किसका? उच्च दाब का। अब तीसरा है मध्यवर्ती दाब, मध्यवर्ती इसमें होता है, इसमें याद रखिए होता है, समझना बात, इस पे होता है। होने का क्या है कि ये डिपेंड करता है कि ये जो दाब है आपका, दाब का पावर कितना है। अब पावर कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि इस पावर की मान को अगर हम कम बेसी कर देते इसका दाब कम बेसी होगा कि नहीं होगा? जैसे एक बट्टा दो एक बट्टा एन है, इसका वैल्यू जीरो से लेकर के वन तक होना चाहिए, तो जितना अगर हम हर समझ में आ रहा है हर, तो हर की मात्रा जितना छोटा हम करेंगे उतना ही दाब बढ़ेगा कि नहीं? और दाब बढ़ेगा तो बताइए तो क्या होगा? ये वाला एक्स बट्टा एम यानी कि अधिशोषण की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे हम दाब की मात्रा को कम कर देंगे तो जो अधिशोषण की मात्रा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, समझ में आ रही बात? वो कम हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल अगर इस सब चीज को अगर देखा जाए मिला जुला के, तो आपको यही समझ में आता है कि जो अधिशोषण समतापी है वो एक तरह का ग्राफ है जो किसको किसको बीच के रिलेशन को दर्शाता है। तो दाब और अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा क्या होती है? तो अधिशोषण की मात्रा जो होती है वो अधिशोषक पर चिपकने वाली क्वांटिटी यानी कि पदार्थ जो उसमें चिपकेगा वो चीज। और इसमें जैसे जैसे आप दाब बढ़ाइएगा वैसे वैसे अधिशोषक अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। जैसे जैसे आप कम कीजिएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब मैक्सिमम दाब हो जाएगी तो वहां पास क्या हो जाएगा? अधिशोषण की मात्रा भी मैक्सिमम हो जाएगी। और जिस दाब पर या जिस दाब पे अधिशोषक अधिशोषण पदार्थ की मात्रा अधिकतम हो जाएगी उस दाब को क्या बोल देंगे? तो साम्य दाब या संतृप्त दाब। तो ओवरऑल देखा जाए तो समतापी में आपको यही पढ़ना है, और भी किसमें? फ्रुंडलिक में, उसके बाद लैंगम्यूर है, लैंगम्यूर अधिशोषण में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको आज संभव नहीं है, इसको हम अगले बार यानी कि कल की क्लास में पढ़ा देंगे। तो इसको आप राइट कीजिए और कल की क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। राइट।